हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो चलिए करते हैं एक और नए ब्लॉग की शुरुआत। तो चलिए, मैंने किचन में काम शुरू कर रही थी तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं। आज मैं बनाऊंगी इडली। और मौसम मौसम आज धूप धाप कुछ नहीं निकली है, पर इतनी सर्दी भी ना है, धूप तो निकली कौन है। तो चलिए चलते हैं किचन में। और मैंने घी भी धर दिया है, और घी है ना, मतलब बताई थी ना आप तक कि इतना सारा 4 कटोरे हो रहा था, तब मैंने आज बड़ी कढ़ाई लेकर नारंगी ठी पर धर दिया। तो उसने है ना कम से कम भी मैंने सुबह धरा था 7 बजे। हाँ, तईब 9 बज रहे हैं, तो 2 2.5 घंटे उसने हो गए हैं। तो मैंने सारी प्रिपरेशन कर दी है और सब्जी भी ना धरी है फ्रीज में। तो मैंने बर्तन बर्तन और सारा काम सब कम कर लिया है। तो दिखाती हूँ आपको बैक कैमरा करके। तो देखो गाइस, घी आ गया है हमारा, कितना बढ़िया वाला और कितना मस्त वाला, और खोआ भी निकल गया है इसका। आप कुछ भी कर सको हो। और सोमवीर जी मेरी मदद कर रहे हैं। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। मैं अकेली लग रही थी, और किचन में भी सारा काम एकदम सेट है, सब कुछ कर रखा है। इसमें है दही, तो मैंने यहाँ बाहर छोड़ दी, और इसमें बना दी है मैंने चटनी, और तड़का वगैरह भी लगा दिया है सारा। और इसमें है मेरा बैटर इडली का, जो कि मैंने आधे घंटे तक छोड़ रखा है। इसमें भी मैंने ग्रीन वो डाल दी थी थोड़ी सी, चटनी बनाई जो। तो चलिए एक बार मैं वो निकाल लूँ इडली के स्टैंड वगैरह। और रितिका स्कूल गई, रितिका ने स्कूल में जाना था, हनी स्कूल में गया नहीं है। तो उसने ठान ला गए हैं नाले नाले पढ़ ले, तो एक बार ना इस घी का और कर लूँ, क्या मगर लगा क्या मना वो और देखूं। तो चलिए गाइज मिलते हैं। गाइज मेरी इडली सारी बन गई है, हो गई है रेडी, और खा लो आप भी। और ये मैंने हनी की लगा दी है, और एक बैच रह रहा है बस, वो बनने लग रहा है। इसमें मैंने पैक कर ली है, ये मैं लेकर जाऊंगी आज। और चटनी चटनी और डाल दो एक बार, सोमवीर जी दो डालवाऊँ चटनी, तो ये डाल देंगे तो मैं हनी ना दे दूँ, और आप भी खा लो इडली। और गाइज ये खोआ भी निकल गया, देखो इतना सारा। इसमें बनाऊंगी मैं गाजर पा, क्योंकि बनाया ही नहीं है इतनी। और ये निकला है इसमें घी, या मेरी 3.5 किलो की डोली होगी, 3.5 किलो की डोली है गाइज, 1.5 किलो निकलिया है इबके में, और यो 1 किलो पहला का है। तो इसमें 1 किलो और आ जाएगा ना, तो यो भर जाएगा, 1.5 किलो है, 1.5 किलो निकलिया है। तो यो ताजी कर दिया मैंने सारा, बासी उसमें है ना, तो उसने रहता का ना, मतलब पहला का बासी के वो है गीत, तो के बासी हो है पर नुहा के, मतलब अदली बदली हो जाएगा, तो ठीक रह वह है, उसमें दिक्कत ना होती। फिर मैक वैक, तो इसमें कती इतनी सी भी मैक नहीं है पहलड़े में भी, तो मैंने आप तो दिखाया था कि कती बुरा की डाला खिंड है हर। तो चलो गाइज मेरा भी हो गया है टाइम, तो मैं भी जा रही हूँ आज काफ़ी दिन के बाद वर्कआउट करन, क्योंकि मेरी तबीयत सी खराब थी पहला। तो मिलते हैं आपसे। तो मैं वर्कआउट करने आ गई हूँ गाइज, और जिम दिखाऊँ कितना बढ़िया सज रहा है, देखो देखो गाइज कितना बढ़िया सजा रखा है, सारे को कति गुब्बारे गुब्बारे लगा रखे हैं। हेलो मैडम, यो बेबी गर्ल्स बर्थडे है, सूट की भी डाल रहे हैं, सूट की वीडियो बनाई ना इसमें बोली, आज मेरी फ्रेंड है, इसका बर्थडे है, अब केक कटिंग होगी। हम करेंगे पार्टी बेबी के बर्थडे की। हैप्पी बर्थडे बेबी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे बेबी। आज तुम्हारा वजन बता दिया था ना गति, इतने सारे समोसे बता बेबी, वो ये पनीर के इनके पकोड़े कचौरी और के। Two hours later. इस मुंह पर लेट रहे थे, और यार रितिका लेट रही है, मूंगफली खान लाग रहे थे, यार मन ने मटर छीली, इतने एक थैली तो छील दी, एक और रह गई। तो चलिए इन्हें पहला बैसा कगे रहूं, दूसरी नोर शुरू करूंगी। और ये है ना, ये शख्स हाथ भी नहीं लगाते, अरे यार इतनी मटर खागी, मतलब छुल्ली और खावा है, अरे एक भी छोल कर नहीं खाती,
ऐसा क्यों? इसना मटर गनी बढ़िया लगा था ना, ये ना मटर गाइस गनी बढ़िया लग गया करे, मीठी है ये, छाट कर लेकर रही हूँ। एक भी सफेद मटर नहीं, मतलब ये पूरी खास कर या न्यू की न्यू, इन्हें मैं तो मुट्ठी भर भर खावा या एक भी सफेद मटर नहीं। जब रीति को तीनों देख कर ले खाई थी, चल ताजा नीचे चल लेंगे बेटा, इन ठाल मैं इन बैसे का गेर खाऊंगी एक बे। आ देख पोचा मार के गई थी गिल्ले में, तपा धर के चले गए, देखो कर पैड हो रही। तो चलिए गाइस नीचे, और ये चार पेड़ तो है ना उसके हैं गुलाब के, देख किसे हो रही अजीब अजीब से ना रीति, और सब सारे हरे भरे हैं, बड़े मस्त हो रहे हैं। तो गाइस रीति का चाय बना कर लेकर आई है हर ना, आज फिर ठंड ज्यादा हो रही है ना रीति, धूप गई ना, क्योंकि ना आज धूप है ना कति नाम मात्र की निकल रही थी बस। तो चलिए चाय पीते हैं और आप भी पी लीजिए, दिखाती हूँ मस्त चाय बना रही हूँ, जी कर जाएगा पीने। तो गाइस देख लो चाय पी लो, बढ़िया वाली चाय बना रही है और नमकीन भी ले रही है, नमकीन खाएगी, नमकीन के खागी नमकीन। तो मैं चाय पी लूँ गाइस, आप भी पी लो जिसने पीनी होता है, आ जाओ। तो गाइस मैं फिर मटर छीलन लगी, क्योंकि एक का वो छिल्ला था धूप में, तो छीलनी तो अमन नहीं है, कोसा भी ना लगा, चाय में लोटी रहूं चाय ना लोटी रहूं, तो सोचा थोड़ी थोड़ी करके छील ले लूं। और रीति का पढ़ाई करन लग रही है और अन्नी ट्यूशन पर तो नहीं आया है, तो ये हुआ लेगा जब मैं देखूंगी के बनेगा के ना, तो इतना मैं अपनी थोड़ी थोड़ी करके ना मोटर छोल लूं। देख लो गाइस दो तीन चोरी कर ली चोरी ने, ए चोर या हम मटर चोर, तने के बढ़िया लग गई ये, हैं चोल के क्यों ना खाती, ये टोकरी ने ले हर परे ने पकड़ ले जा है, मैंने इसमें याद दी इसमें न्यू करके निकाल रहा की है नी, नीचे धर रही हूँ मेरा ना कैब खा ली ले जा ले जा करना, काम करती करती का उड़न नमकीन धरी, नमकीन छोड़ दी, देख लो गाइस आलू भुजिया और इन मटरा में लाग रही है। अरे के पापा तो बताऊंगी ना न्यू होगा और लिए ये मटरा तो है खा लो चक्कर। क्योंकि मैं तो ना छीलती छीलती खा लिया करू, चक जे आ करू मटर छीलती छीलती, और सोमवीर जी छिलवावा गला तो वे भी मेरे ते खवाए जा छील 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 के, और या इसमें तो छील छील खा मतलब छिली छिलाई खाए जा है, तो चलो मैं इन्हें छील लूं। गाइस हम आ गए हैं दूध लेने, और ना जाड्डा हो रहा आज तक मतलब पूरे दिन इतना ना था, राम राम। ये खोलनी पड़ेगी डोली मैं इतना खुल या मंदिर है। राम राम जी जी के कर है कम, और नुको थी पूरा ले जिए पूरा है हटा हाँ कम तो हो रहा होगा जी जी, इसमें यो बादल हो गए दो चार दिन ज्यादा नहीं तो सही आ रहा है, हाँ धूप निकला थी बढ़िया जब तो सही था, रात को भी ज्यादा नहीं था ठीक है। चलो आज इसमें करेंगे दूध, हमने ले लिया हर आज एक किलो कम भी मिल रहा, हाँ नहीं तो कम दूंगी आज पीना, चाल ले पैसे दे दे, पैसे मैं ले रही हूँ हाथ में, चल मेरा फिर याद ना रहती तेरे दो रेगल ले रहे हैं पड़ जाएंगे ना को ना पड़, मेरे दो रेगल ले तेरे पैसे दे आराम तो इसमें है सोमवीर जी भाई भाई। तो गाइस दूध लेकर घर आ गए हैं, और किचन देखो कितना अस्त व्यस्त हो रहा सारा, और इसमें ना
सुबह घी काटा था तो या घी की छोड़ दी कढ़ाई, इसमें भी कुछ बनाऊंगे। और बताई थी कि आप तो 1 किलो दूध आज कम भी है, और इसमें आलू बनने दर दिए, पतले आलू की सब्जी बनाऊंगे। और चलिए एक बार मैं इसने संगवा दूँ, और वे इडली विडली बनाई थी उसके भी बर्तन वर्तन ऐसे ही रखे हैं, तो इनने भी उठा दूँ, और बर्तन तो इतने ना हबस चा के हैं, तो चलो एक बार इसने फिनिश कर ले। गाइस बर्तन सारे साफ कर दिए हैं, आलू उबाले थे वो भी, टमाटर उबाले थे वो भी, दूध गर्म करूंगी, पहला दूध ना उसका गर्म होना रहा, दही जमाऊंगी। तो ये इतने सारे आलू भी मैंने कर लिए हैं, क्योंकि एक पंथ दो काज हो जाएंगे इसमें ना, सुबह इनके पराठे बन जाएंगे, ई आलू की सब्जी बनाऊंगी थोड़ी सी। आटा भी लगा दिया है, और ये टमाटर भी पीस कर धर दिए हैं, और ई छोकेगी रितिका ही छोकेगी सब्जी नू, कहे मम्मी मैं छोकूंगी, तो घी भी बैठ गया है, इसने भी भीतर कर दूँ। तो चलिए गाइज, और आलू छोल लगा हनी, हनी ने बोला मम्मी मन दे दे मैं छोल दूंगा। रितिका पर डन लाग रही है गाइज, और मैंने सब्जी छोक दी, वो तो बिना ही बताए था, मानु कह रही थी मम्मी मैं छोकूंगी, तो मैंने छोक दी है। तो मैं एक बार रोटी और बना लूँ, ये बर्तन धोएंगे, और इसमें दूध भी किया है नवाया, इसमें सीत दरिया है, और ये डोलिया मना कैया में घी है, घी हो रहा था तो मन सोची कि इसमें रता दूं, और वो जो ताजी घी कौन थी ना राखन की, तो मैंने इसमें यो थोड़ा सा रह रहा है, तो इसने भी ताकन दूंगी, और इसने भी दूंगी, एक में कर दिया सारा, किसे में गां का, किसे में भैंस का, किसे में पहला का, किसे में पाछे का, नहीं हो रहा था सारा में, तो इन्हें भी सारा ने एक में कर दूँ, और एक बार रोटी और बना लूँ। गाइस बन गई है सब्जी यमी यमी, और मैंने गेर लिया अपने में धनिया, और रितिका की काट दी है बिना धनिया की, रोटी भी बन गई, किचन बिल्कुल साफ है, बस ये घी की है ना, दो डोली रेताई है, और ये दो चार बर्तन और छोक क्या था सब्जी, तो उनके तो इन और साफ कर दूं। गाइस बस ये दूध दाद जमा दिया है, दूध वूध सब कुछ रख दिया है, ये भी ये दो चार बर्तन साफ करने और रह गए हैं, तो मैंने रोटी भी लगा दी है, और हनी खाओगा कि ना बेरा ना उसका, वो खाओगा तो मेरी गल्ला ही खा लेगा एक रोटी, ना तो वो मना करे है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर किया करो, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया करो। बाय, गुड नाइट।